दो काम करो, सच बोलो और हलाल खाओ, कामयाब रहो। सच बोलो, ये मत कहो कि यार अगर दलाली के पैसे, रिश्वत के पैसे नहीं लाएंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। मैं बताता हूँ घर कैसे चलता है। इमाम अब्दुल्ला याफई की बड़ी मोटी किताब है, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। आप फरमाते हैं एक साहब की चार बेटियां थी और जब पांचवी मरतबे बीवी उम्मीद से हुई, उसके पेट में बच्चा आया ना, तो बीवी के पास आया, बोले सुन, बीवी का लिबास पकड़ के बोले सुन, अब अगर तेरी कोख से बेटी पैदा हुई तुझे तलाक दे दूंगा। बीवी रो के बोली क्यों, मेरा कसूर क्या है? अल्लाह की मर्जी है जो बेटियां पैदा होती हैं। उसने कहा कसूर तेरा है, ये कोख तेरी है, ये कोख तेरी है, ये कसूर तेरा है, इसलिए मुझे तुझसे नफरत है, खबरदार अब बेटी ना पैदा करना। वो औरत रोने लगी, कहती जब 9 महीने पूरे हो गए मेरे शौहर ने मुझसे कहा चल मेरे साथ सफर पे। मैं अपने शौहर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ सफर पे निकली ना, एक जगह तंबू कनात लगा के काफिला रुक गया, छोटी सी पहाड़ी थी। औरत कहती डिलीवरी का दर्द हुआ, मैंने वॉशरूम के बहाने से लोटे में पानी लिया और अपने शौहर से पूछ के उसी पहाड़ी पर चढ़ गई। एक गुफा था, उस गुफा के अंदर चली गई। जब मैं गई तो दर्द ज्यादा हुआ डिलीवरी का, तो अचानक मेरे पेट से जो जो बच्चा था वो बाहर आ गया। इमाम याफई फरमाते हैं जब औरत ने देखा गौर से ये बेटा है या बेटी है तो रोने लगी, एक अलग से दर्द हुआ क्योंकि फिर बेटी पैदा हुई। अल्लाह, वो माँ जो तुम्हारे घर में है, जिसने तुम्हें पाला है बड़ी मशक्कतों से, जिसकी कोख से तुम पैदा हुए हो, उसको नाराज मत किया करो, इंशाल्लाह बोले उसका ख्याल रखा करो, वो बड़ी प्यारी होती है। माँ बूढ़ी होती है लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा जवान रहती है। तो कहने का मतलब कि हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह, इमाम याफई के जुमला देखिए, मेरे साथ चले, मेरे घर पे किताब रखी है, उस बेटी के जहेज के लिए जिन बुजुर्गों ने कदम उठाया था इमाम याफई ने उसका जिक्र किया है। बड़ी मशहूर बात है और आपने इसको कई उलमाए किराम से सुना। इंशाल्लाह इमाम याफई फरमाते हैं कि वो लड़की, आज पूछो भाई आप ये काम क्यों करते हैं, वो नहीं करूंगा हराम के कारोबार तो मेरी बच्चियां कैसे पलेंगी, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे। लोग ये बड़ी आसानी से बोल देते हैं, मुआशरा ऐसे ही संभलेगा, नहीं संभल पाएगा जब तक आपको खुदा की जात पर ईमान और यकीन मजबूत नहीं होगा। आपको हलाल कमाई की तरफ जाना है, हराम नहीं बचा पाएगा आपके घर को, उजाड़ देगा आपके कबीले को, नस्लों को बर्बाद कर देगा। आपके बच्चे हराम खा के फिर फस्क, फजूर, गुमराहियत और फिर दरीदा दहनी के साथ साथ हुजूर की तौहीन का मुर्तकिब करार पाएगा। अल्लाह हमें अपने बच्चों की सही तरबियत की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन कह दो। आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर बच्चों को आपने हराम खिला के पाला, उसे डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, उसे आलिम बनाया, ये बच्चे किसी काम के न रहेंगे। अगर उसे आपने हलाल खिला के अखबार बेचने वाला बनाया, जिन जिन घरों में अखबार दे के आएगा उन घरों में हुजूर की मोहब्बत की खुशबू जरूर फैलेगी। अगर वो जूतों में पॉलिश भी करेगा तब भी खुदा की कसम उसकी गरीबी तो नजर आएगी, लेकिन उसके अंदर जो ईमान होगा ना, वो ईमान करीब से गुजरने वाले वालों को खुशबू के तरीके से महसूस होगा। इसलिए कि हलाल खोरी भी एक अजीम खुशबू है जिसे फैलने से कोई रोक नहीं सकता है। इमाम याफई फरमाते हैं वो लड़की कहती है कि जब मेरे पेट से जो बच्चा बाहर आया तो उसे देखा मैंने, वो फिर लड़की थी, मैं रोने लगी, मैं क्या करती हूँ। मैंने कहा मेरे मौला फिर लड़की पैदा, फिर मेरे शिकम से लड़की पैदा हुई, इसे अपने साथ लेकर के अगर मैं जाती हूँ तो मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा, इसकी भी लाइफ खराब होगी, मेरे शौहर की दो, मेरी तीन, चार मेरी बच्चियां, सात जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। करेली वालों मालूम है क्या किया उस औरत ने, उसने उस लड़की को उसी गुफा में छोड़ दिया। मेरे मौला इसे मैंने तेरे हवाले किया, तेरे हवाले किया, कम से कम एक की जिंदगी बर्बाद होगी, छह की तो बच जाएगी। ऊपर से नीचे आई, शौहर ने कहा तेरा उभरा हुआ पेट, तो उसने कहा खून बन के खराब हो गया बच्चा, शौहर ने कहा कोई बात नहीं, काफिला आगे बढ़ गया। 4 महीने के बाद इमाम अब्दुल्ला याफई अपनी किताब में फरमाते हैं जब 4 महीने के बाद वो काफिला वापस आया, वहीं पर अपना तंबू कनात लगा के ठहरा, तो औरत उस पहाड़ को देख के रोने लगी। उस पहाड़ में 4 महीना पहले उसने एक बच्ची को जना था, याद है, उसकी तवज्जो उस बच्ची की तरफ गई, फिर बहाने से उसने उस पहाड़ी की तरफ सफर किया। उसके पैर में बड़े बोझ थे, बोझल कदमों से ऊपर चढ़ती थी, देखो मेरी बच्ची कहाँ तड़पी है, देखो मेरी बच्ची की एड़ियों के निशान कहाँ है, देखो मेरी बच्ची पर जिस जानवर ने हमला किया था उसके खून के छींटे दीवारों पर लगे हुए, मेरी बच्ची के जिस्म की सख्त हड्डियां शायद बची हुई,
वो औरत रोती हुई ऊपर जा रही है, लेकिन करेली वालों ये जहन से निकाल देना, अगर हम हराम नहीं खाएंगे तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा। खुदा की कसम आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। मौलाना अख्तर रजा साहब की हलाल की दौलत है कि अपने घर को अल्लाह के नबी की एक मुबारक दरसगाह में तब्दील कर दिया। समझ रहे, जैसे वो औरत ऊपर गई, वो कहती जैसे मैं गई गुफा में झांक के देखूं, मेरी बच्ची की खून के छींटों की तस्वीरें होंगी, मेरी बच्ची के जिस्म की सख्त हड्डियां पड़ी होंगी, या मेरी बच्ची के पैरों के रगड़ के निशान होंगे। औरत कहती है मैं चीख पड़ी, मैंने क्या देखा, देखना कहां कहां तक सुभान अल्लाह की आवाज देने वाले लोग मौजूद हैं। औरत कहती है मैंने देखा तो एक हिरनी उस गुफा में लेटी हुई थी और मेरी 4 महीने की बच्ची हिरनी का दूध पी रही थी। सुभान, अगर यकीन पड़े तो जरा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले अल्लाह अकबर। हिरनी लेटी हुई थी और मेरी 4 महीने की बच्ची उस हिरनी का दूध पी रही थी। वो गुड़िया जैसी मेरी बच्ची है जिसके जिस्म पे लिबास नहीं थे लेकिन गर्दो गुबार का लिबास मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। मेरी बेटी बहुत ही बेतवज्जोही के साथ बेनियाज होकर के हिरनी का दूध पी रही थी, जिंदा थी। मैं चीख पड़ी और तड़पते हुए नीचे कूदते हुए भागते हुए नीचे आई, पूरा काफिला जमा हो गया, भाई क्या बात है क्या बात है क्या बात है। मैंने अपने शौहर से कहा 4 महीना पहले इस गुफा में मैंने एक बच्ची को जना था, 4 महीना पहले जना था, मैंने तुमसे कहा था खून बन के बच्चा खराब हो गया है, चल के देखो अंदर की हालत क्या है। पूरा काफिला दौड़ता हुआ ऊपर गया, जब दौड़ता हुआ पूरा काफिला ऊपर गया ना तो मालूम है क्या देखा कि वही लड़की हिरनी का दूध पी रही है। काफिले वाले चीख पड़े, लड़की का बाप चीख पड़ा, अरे मेरे मौला अजीब तेरी शान है, लड़की अब तक जिंदा है। तो खुदा की बारगाह से आवाज आई, अरे मेरे बंदो सुनो, अगर मैं पैदा करना जानता हूं तो खिलाना पिलाना भी जानता हूं, जिंदाबाद। तुम क्या अपने बच्चों को पाल लोगे, हराम की कमाई से कोई घर चलता है, नहीं चलता मेरे मुसलमान, वो भी ऐसा जिसे दुरूद पढ़ने के लिए पैदा किया गया, जिसे पड़ोसियों के लिए रहमत बना के पैदा किया गया, जिसके होने से शहर में रहमतें नाजिल होती हैं, वो मुसलमान आवारा कैसे हो गया। अफसोस की बात है, खुदा की कसम दिल को दर्द होता है, रातों को नींद नहीं आती है। समझ रहे हैं आप, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया था मैं दुनिया को ऐसे ही देखता हूं जैसे हथेली पे राई का दाना। मैंने पूछा हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब क़िबला से, सैयदना शेख ने यह क्यों फरमाया हथेली पर राई का दाना, ये कह सकते थे जैसे मेरी सदरी की जेब में राई का दाना, मेरे जुब्बे की जेब में राई का दाना। ये क्यों फरमाया कि दुनिया को मैं वैसे ही देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना, क्यों फरमाया हथेली पर क्यों रखा राई का दाना। फरमाते हैं वजह कई है, एक ये भी सुन लो। मैंने कहा क्या, आप फरमाते हैं जब हुजूर गौसे आजम सरकार खाने के लिए यूं लुकमा उठाते थे तो हथेली भी नजर आ जाती थी, और जब हथेली नजर आती थी तो पूरी दुनिया भी नजर आ जाती थी। जब गौस पाक के सामने पूरी दुनिया नजर आती थी तो इसी में यूरोप भी होता था, इसी में अमेरिका भी होता था, इसी में हिंद जापान भी, अरब महासागर भी होते थे। तो फरमाते हैं सूफी साहब क़िबला, जब गौस पाक सरकार अपनी हथेली देखते, पूरी दुनिया देखते, अगर हिंद अरब महासागर के करीब में कोई परिंदा भी भूखा होता था तो गौस पाक खाना नहीं खाते। फरमाते मैं कैसे खाना खा लूं, मेरी मैं उन परिंदों का भी तो गौस हूं, मैं कैसे खाना खा लूं, अभी मैं तो वलियों का सरदार हूं, मैं कुतुबिल इंस हूं, इंसानों का सरदार हूं, इंसान भूखे हों और कुतुब खा ले, मैं कैसे खाना खाऊं। सरकारे गौसे आजम लुकमा छोड़ देते थे, आज हम हैं दरवाजा बंद करके खाना खाते हैं। दरवाजे पर दस्तक भी हुई तो कहते हैं बच्चों से बेटे बोल दो कि अब्बू घर पर नहीं है, अगर ये वक्त कबूलियत कर रहा तो अब्बू घर पर रहेंगे भी नहीं। हाथ जोड़ता हूं झूठ ना बोला करें, अपने बच्चों को सच्चाई की तालीम दें। मुसलमान हैं आप पर बड़ी जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया ये चाहती है, हिंदुस्तान का हर अपोजिशन जमात का शख्स चाहता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हराम खाए, लेकिन आमिना के लाल चाहते हैं कि मेरी उम्मत हलाल खाए। आप सीने पे हाथ रख के बताओ कि बातें किसकी माननी चाहिए, बताओ मुझे बातें किसकी माननी चाहिए। शैतान कहता है कि इलाहाबाद का कोई मुसलमान हलाल ना खाए, सब मुसलमान हराम खाए, और रहमान चाहता है कि मेरे बंदे हलाल खाएं। मुझे बताओ कि बातें किसकी माननी चाहिए, रब की खिलाता कौन है, वो परवरदिगार है। पूछा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, अरे मेरे मौला इतनी बड़ी कायनात, मोबाइल है 2 लाख रुपए का, कभी मेरे भाई उसमें अमेज़न का जंगल सर्च कर, 2-2 किलोमीटर की नीचे की घाटियों की तरफ जा, जहां से घाटी खत्म होती है जाके नीचे देख तो छोटे छोटे कीड़े यूं चलते नजर आएंगे, पूछना खुदा से मेरे मौला इन्हें कौन खाना खिलाता है। आवाज आएगी
वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। उसे उस मुल्क का वजीर आजम खिलाता है, वहां का विदेश मंत्री खिलाता है, वो खुद मोहताज है, वो क्या खिलाएगा भाई, वो खुद अपाहिज है, वो क्या खिलाएगा। यही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था, अरे मेरे मौला, तू अपनी इतनी बड़ी कायनात की मखलूक को जिसे तूने पैदा किया है उसे पालता कैसे, उसे पालता कैसे है, बता दूं, याद रखना, उसे पालता कैसे है। अल्लाह फरमाता है, सुलेमान अगर ये मेरी कुदरत के जलवे देखने हैं तो तालाब के किनारे पर आ जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम तालाब के किनारे पर आके बैठ गए। बैठने के बाद क्या देखते हैं कि एक चूटी है जिसके मुंह में एक चावल का दाना है, वो तालाब के किनारे दाएं बाएं हो रहे हैं, इधर से उधर, इधर से इधर, उधर से उधर हो रही है। अचानक तालाब के अंदर से एक मेंढक बाहर आया, चूटी के पास आया। चूटी उस मेंढक के पैरों पर चढ़ के ऊपर गई तो मेंढक ने अपना मुंह खोला, चूटी उसके मुंह में चली गई। मेंढक ने अपना मुंह बंद किया और तालाब में डुबकी लगाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, वाह कमाल के तेरे जलवे नजर आ रहे हैं, ये चूटी ये मेंढक का तालमेल मेरी समझ में नहीं आता। कुछ देर के बाद यही मेंढक फिर वापस आया। आप फरमाते वापस आया किनारे, उसने मुंह खोला, चूटी अब बाहर निकली तो चावल के दाने नहीं थे, निकली उसके पैरों से निकल के अपनी बिल में घुस गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने शुक्र के सजदे किए और मैंने कहा, मेरे मौला जरा ये बता दे इसमें तेरा राज क्या है, चूटी गई थी चावल के दाने थे और मेंढक उसे लेने के लिए लग रहा आया था, ये क्या मामला है। अल्लाह फरमाता है, सुलेमान सुन, इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक टापू है, उभरी हुई जमीन है, एक जजीरा है, उस टापू पर मैंने कीड़ा पैदा किया है। अल्लाह फरमाता है, ए सुलेमान उस कीड़े को मैंने अंधा पैदा किया। देखना जो पीछे मेरे भाई बैठे हुए हैं, क्या दिल कहता है वो सुभान अल्लाह कह दें। सुने आप, अल्लाह फरमाता है, सुलेमान सुन, मैंने उस टापू पर एक कीड़ा पैदा किया है, वो कीड़ा अंधा है, वो अपना खाना पीना ढूंढ नहीं पाता, उस तक खाना पीना पहुंचाने के लिए मैंने ये चूटी पैदा की है, मैंने ये मेंढक पैदा किया। कहते क्यों नहीं, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा। बोले मेरा खुदा है। कैसे कहते हो कि मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी, क्या आपके साथ हमको चलना पड़ेगा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, नहीं आपको कहना पड़ेगा, अगर अल्लाह का जिक्र हमारे दिलों को सुकून देता है तो उसी दिल को सुकून देता है जो दिल हलाल खून का मरकज़ो सेंट्रल पॉइंट हो। अल्लाह के नाम के नारे लगाते हैं हम और आज जबान के नीचे उसका असर नहीं पहुंच पाता है। वजह, हम जहां चाहते हैं खा लेते हैं, जहां चाहते हैं पी लेते हैं, हम ये नहीं देखते। स्टेटस बुलंद है, उसने अपनी शादी में 30 लाख रुपए 26-28-3 हजार की एक प्लेट के सौदे की है, तो अब चलो उसके यहाँ चले सेल्फी लेने के लिए, तस्वीरें लेने के लिए। मेरे भाई, ये हलाल खोरी से दूरी नुकसानदेह साबित हो रही है। परवरदिगार आलम हमें सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, आमीन। सरकार गौसे आजम की जात कितनी बुलंद है, कितनी कमाल की है। 125 लाख गौसे आजम सरकार के मदरसे से तलबा इकराम फारिग हुए थे। 125 लाख जानी चोर उचक्कों कातिलों को गौसे आजम सरकार ने सच्ची तौबा की तौफीक दिलवाई है। हफ्ते में 2 तकरीर पब्लिक बेस पे करते थे, 1 तकरीर औलिया के सामने करते थे। हर तकरीर में 400 से ज्यादा लोगों को अल्लाह अपना वली बनाता था। ऐसे ही बनाता था। अंदाज क्या था, अंदाज कर, अगर आप मुसलमान हो, अल्लाह की जात पे भरोसा रखोगे तो खुदा की कसम बरकतें कितनी होंगी इंशाल्लाह। कहो तो गौस पाक की एक बात बता दूं, 5000 यहूदी और ईसाइयों ने गौस पाक के हाथ पे कलमा पढ़ा। बता दूं, थक गए, थक गए, खत्म कर दूं गुफ्तगू। शोरा इकराम की मुबारक नाते होंगे इंशाल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुनेंगे आप, सुन ले, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। और अल्लामा अख्तर साहब बैठे हुए हैं और मेरे मोहसिनीन की जमात है। खुदा की कसम, पूरी उम्र हो गई कभी इन लोगों ने ये नहीं बताया कि मेरे वालिद का नाम क्या है, मेरे भाई का नाम क्या है। जब भी गोया हुए, जब भी बोले तो हुजूर की बात बोले, जब भी की बातें तो मदीने वाले की। ये कितना बड़ा इनाम है। हुजूर गौसे आजम सरकार वलियों के सरदार, अजमत औलिया के टॉपिक पर आप कुछ सुनना चाहते हैं बातें, बस ज़्यादा देर तक नहीं करूँगा, लेकिन बहुत देर से बैठा हुआ मैं, उस वक्त आ गया नफीस भाई को लेकर के, जब यहाँ पर सिर्फ नफीस भाई थे। समझ रहे हैं आप, ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी बीमारी है मेरी, कि मैं इशा की नमाज के बाद जल्दी ही मिंबर पर पहुँच जाता हूँ। अगर कोई नहीं रहता है तो मुझे और खुशी होती है। चलो कम से कम अब मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा, कोई ना कोई मेरी बातों को सुन के तो आ जाएगा और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाता हूँ।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। खुदा की कसम सैयदना शेख अब्दुल हक मौदी से दिल्ली फरमाते हैं, गौस पाक ने फरमाया मैं अपनी तकरीर करता था तो तीन तीन लोग मेरी तकरीर को सुना करते थे, तीन तीन लोग मेरी गुफ्तगू को सुना करते थे। आज अल्लाह का शुक्र फरमाते हैं सैयदना शेख के मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए 70-70 हज़ार का मजमा होता है। गौस पाक फरमाते हैं बाबू शेख में उधर मुझे जाना नहीं है, हुजूर गौसे आजम सरकार ने 5,000 यहूदियों को कलमा पढ़ाया। बोले सुभान अल्लाह, कितने? 5,000। हाथों उठा के बोले कितने? यकीन तो पड़ता होगा लेकिन आसान है, हम तो 5 आदमी को मिसवाक करने का तरीका ना बता पाए। हम अगर नमाज पढ़ते थे तो किसी दूसरे को नमाजी ना बना पाए, हमारे सामने मस्जिद के लोटे जमीन पर गिरे पड़े रहे, हमने उसे उठा के रखना मुनासिब नहीं समझा। हमारे सामने मस्जिद की घड़ी बंद हो गई थी, हमने 5 रुपए के सिल लगाना मुनासिब नहीं समझा। हमारे सामने इमाम साहब को बुखार था और हमने इमाम साहब की दवा का इंतजाम न किया। समझ रहे हैं आप, हमें ये चीजें नजर नहीं आती हैं। अगर बाथरूम की टाइल से टूट जाती है हम उसे इटली से मंगाते हैं, वाश बेसन खराब हो गया उसे जर्मनी से मंगाना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप, आज हमारा दिल नेकियों की तरफ माइल नहीं होता है। बेस क्या है? बेस यही है कि हमको जहाँ खाना चाहिए वहाँ खाते नहीं, हम खाने पीने में बड़े बदपरहेज हो गए, हम अपने बच्चों को भी हलाल खिलाने की तरफ माइल नहीं होते, हम क्या तबलीग करेंगे? अपना पूरा सिस्टम बिगाड़ करके रखा है। हुजूर गौसे आजम सरकार, अपने सारे पैसे तो हम बचा के रखते हैं, गौस पाक क्या करते थे? आपकी बारगाह है, 1 किलोमीटर के फासले पर एक नहर है जिसे नहरे दजला कहते हैं, नहरे दजला कहते हैं। इस नहर में गौस पाक ने गुसल फरमाया, इस नहर की मछलियां उछल उछल के गौस पाक के कदम का बोसा देती थी। सुभान अल्लाह, किताब पढ़ा। मैं अक्सर इस नहर से को देखता हूँ तो मेरे दिल से खुशियों के आंसू निकलते हैं। इस नहर के पानी से गौस पाक ने वजू किया, मेरे इन भाइयों को उस पाकिजा नहर से की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए, मेरे लिए वो लायक ज़ियारत है। एक गरीब शख्स है जो रात के शाम के वक्त नहरे दजला के करीब खड़ा है, उसको मल्लाह से बात करने की तौफीक हुई, उसने मल्लाह से कहा मुझे उस पार जाना है। मल्लाह ने कहा कि उस पार ले चलूंगा इस कश्ती पे बिठा के, लेकिन पैसे कितने देंगे बोल। उसने कहा बाबा मेरे पास पैसे नहीं है। मल्लाह ने कहा कश्ती तेरे बाप की है, चल बाहर निकल चल, डांट के उसने भगा दिया। वो गरीब रोने लगा, किसी ने कहा यार रोते क्यों हो? तो उसने कहा रोता इसलिए हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चे उधर इंतजार कर रहे हैं और शाम हो गई है और ये मल्लाह मुझसे पैसे मांगता है, कहाँ से लाऊं पैसे? उसने कहा अजीब इंसान हो, शेख अब्दुल कादिर के शहर में पैसों के लिए रोते हो? अल्लाह, कितने लोग भूखे सो जाते हैं हमें एहसास तक नहीं होता। कभी हमारी माँ इसी इलाहाबाद की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में बीमार 15-15 दिन तक पड़ी रहती है, कोई तो है जो तुमसे कहे आकर के 200 रुपए के पार्ले बिस्कुट ले लो, कम से कम 10-10 रुपए वाला 20 मिलेगा, एक पॉलिथिन में लेकर के इसी इलाहाबाद स्टेशन के करीब चले जाओ, हिम्मतगंज शरीफ चले जाओ, कहीं भी किसी गैर मुस्लिम के मोहल्ले में चले जाओ, जो तुम्हें दरवाजे पर भूखा लेटा हुआ इंसान नजर आए एक पार्ले बिस्किट ही दे दो, खाता वो रहेगा, शिफा तुम्हारी माँ को मिलती रहेगी। कैसे बताऊं? सूफी साहब फरमाते हैं गर्मी के दिनों में तुम 200 रुपए के पेप्सी स्प्राइट थम्सअप माजा फ्रूटी लेकर के चौराहे पर खड़े हो जाओ, कोई हिंदू हो या मुसलमान रिक्शा चलाने वाला हो एक फ्रूटी उसे दे दो, वो दुआ नहीं करेगा, दुआ निकलती रहेगी, दुआ निकलती रहेगी। फरमाते हैं चाय पीने के लिए जाओ तो किसी को पिला के पियोगे तो चाय ज्यादा जायकेदार मालूम होगी, दिखा को पियोगे दिखा के पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे। समझे? 2 रुपए का बिस्किट लेकर के उसे 3 टुकड़े करके उसी चाय वाले की दुकान के पीछे जो पेड़ है उसके नीचे डाल दोगे, 10-20 चूटियों का पेड़ भर जाएगा। वो चूटियां जो असर की नमाज के बाद मदीने वाले पर दुरूद पढ़ती हैं, उस दिन उनके दुरूद में तुम भी शामिल हो जाओ। कुछ जिम्मेदारियां समझते कि नहीं समझते? ये बताएं कि आपको जो दौलतें मिली हैं सही बताएं कि इसके हकदार आप और हम थे? नहीं थे। आपको एक जोड़े कपड़े में काम चल सकता था, दो में तीन में, आपके पास कितने कपड़े हैं? मेरे पास कितने कपड़े? हम और आप बोले कम से कम 20-25 जोड़े कपड़े हैं। क्यों इतने कपड़े मिले? इतने पैसे क्यों मिले हमारे पास? इसलिए मिले कि जिसके पास ना हो उसे पहचाने पहुंचाने। एक जोड़े कपड़े की कीमत, जाओ शूटर सूटर शॉल खरीदने जाओ ना, एक मोजा ही किसी गरीब के नाम से खरीद लेना, इंशाल्लाह बोलो उसका मजहब मत देखना, उसका धर्म मत, बस सिर्फ ये देखो उसने हुजूर की तौहीन तो नहीं की। यही काम गरीब नवाज ने किया है,
तब 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। क्या गरीब नमाज की शान थी, समझे? कुरान लेके आए थे। क्या लेके आए थे? जोर से बोल सकते हैं, कुरान। मुझे बोले क्या लेके आए थे? कुरान। AK-47 राइफल लेके आए थे? नहीं, एक कुरान लेके आए थे। गरीब नवाज के दरबार की करामत बता दूं आपसे, जिस वक्त अजमेर में चले जाओ एक कुरान वो लेके आए थे। जिस वक्त आप अजमेर में चले जाओ कोई ना कोई आपको कुरान पढ़ता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ी करामत है, खुदा की कसम। आंधियां आए कि तूफान आए, गरीब नवाज के दरबार में कुरान पढ़ना बंद नहीं होगा। तुम नहीं पढ़ोगे, हम नहीं पढ़ेंगे, तो आपके करीब में बैठ के हमारी माँ बहनें कुरान पढ़ती हुई नजर आएंगी। बूढ़े लोग नहीं पढ़ेंगे, शॉपिंग इधर उधर घूमते रहेंगे होटलों में बैठ करके, तो बूढ़ी माएं कुरान के पारे उठा के ख्वाजा साहब गुम्बद को देखती है, कुरान को देखती है। हम तो फख्र से कहते हैं दुनिया वालों के सामने, योगोस्लाविया वालों के सामने, चेचेनिया वालों के सामने, लंडनों, बर्तानिया, अमेरिका के सामने, सुनो हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके दादा को कलमा पढ़ाया है गरीब नवाज ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात है, गरीब नवाज के हाथ में कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, मेरे लिए अलग से ही नाम है हमारे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते औलिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाक अल्लाह बच्चों।